नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक नया डिवाइस के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं और ये है इलेक्ट्रॉनिक स्पीड स्विच। इसको इन जनरल टर्म ZSS भी बोलते हैं, जीरो स्पीड स्विच भी बोलते हैं। आइए मैं इसके अंदर का इलेक्ट्रॉनिक पार्ट और सेटिंग के बारे में आप लोगों को बताता हूं। तो ये है इसका इंटरनल पार्ट और आप जैसा कि देख सकते हैं कि इसके अंदर रिले LED लगाया हुआ है। तीन LED है, रेड, ग्रीन और येलो। रेड जो है वो सप्लाई हेल्दी का है, RL1 है वो ग्रीन है, प्रोब जब सेंस करेगा तो येलो है गाइस। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक स्पीड एडजस्ट करने के लिए नॉब दिया हुआ है, पोटेंशियोमीटर लगाया हुआ है। दूसरा जो है ये जो कार्ड है दोस्तों, ये पावर्ड अप होता है सिंगल फेज से 240 वोल्ट AC से, उसका ये वायर है। और ये जो हमारा है सेंसर से वायर आ रहा है दोस्तों, ये है। और ये जो है दोस्तों आपका, ये लिमिट के लिए जा रहा है, रिले के लिए जा रहा है कि ये स्विच अगर एक्ट होगा तो उसको DCS के लिए जा रहा है। और ये जो तीन वायर है दोस्तों, ये रेड, ब्लैक और ग्रीन, ये सेंसर से आ रहा है। ये मैं आपको इसका ओवर व्यू बता दिया दोस्तों। इसके अंदर में स्पीड हम लोग को जनरली कैलिब्रेट करना पड़ता है, मैंने इसको अभी 1 पे करके रखा हुआ है। ये जो है दोस्तों, ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर है और ये जो आपको क्रॉस जैसा दिख रहा है, ये इसको सेंस करने के लिए ऐसा अरेंजमेंट है। अभी आपको मैं दोस्तों इसका स्पेसिफिकेशन दिखाता हूँ। ये नेम प्लेट है, सेंसर से तीन वायर आते हैं, ब्लैक, ग्रीन और रेड। ग्रीन और जो रेड है वो लोड पे लगा हुआ है दोस्तों। ये इसकी डिस्टेंस एडजस्टमेंट है और इसको इनपुट कितना पावर सप्लाई चाहिए, ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर है। इस तरह अगर जो भी मेटल सेंस करेगा तो यहाँ LED ग्लो होगा और उसके हिसाब से ये इस इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर के लिए यह कार्ड को इंडिकेट देगा और यहाँ CS ग्लो होगा दोस्तों। ये जो है दोस्तों, ये पार्ट, ये ऐसा डिजाइन किया गया है कि जितना रोटेट हो उस पर ये सेंस करे। प्रॉक्सिमिटी सेंसर को सेंस के लिए कुछ चाहिए और इसके और सेंसर की जो दूरी रहेगा दोस्तों, जनरली नॉर्मली 35 mm का गैप मेंटेन करना रहता है, गैप एडजस्ट भी करना रहता है। तो ये आपको एक्चुअली इसको लगाने का पर्पस ये है कि आपका बेल्ट रोटेट हो रहा है कि नहीं, तो कन्वेयर कहीं जाम तो ना हो गया हो, इसके लिए इसको यूज किया गया है। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि इसका जो स्पीड सेटिंग रेंज है वो 0 to 10 है और रेंज कैलिब्रेशन फॉर 8 IMP RED है। तो जो ये है दोस्तों, ये हम लोग फ्यूल एंड एयर हैंडलिंग सिस्टम लगाते हैं, कन्वेयर बेल्ट में ज़्यादा इसका यूज है, बट इसका और भी एप्लीकेशन है जो कभी और डिस्कस करेंगे। आज के लिए इस वीडियो के लिए थैंक यू और प्लीज़ देखिए मेरे चैनल को, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए।